हेलो एवरीवन। सो ये हमारा ईएमटी का प्रॉब्लम सीरीज चलेगा। आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स का बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है। देखिए, मैं यहाँ पर आप नोटिस किए होंगे, मैं ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ। क्यों नहीं करवा रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का कुछ फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो आप जो करवा रहा हूँ उसको अच्छे से कर लीजिए, देन जब हम पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, हमारे पास जनवरी महीना पूरा बचेगा, उस टाइम पर हम क्या करेंगे, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आप बोलेंगे तो लगवा दूंगा पूरा, ठीक है। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चारों तरफ अवेलेबल है, तो उसको करवा के मैं ज़्यादा मतलब लेक्चर्स को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, समझ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जहाँ पे जाएंगे वहाँ पर अवेलेबल होगा, हर एक मतलब वेबसाइट में, जैसे आपका फिजिक्स फाउंडेशन का खुद का वेबसाइट में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पर भी है, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी लास्ट में अगर आप बोलेंगे तो मैं एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाऊँगा और करवाऊँगा। यहाँ पर मैं वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मतलब रिलेटेड होगा, चीज़ें रिलेटेड होगा हमारे प्रॉब्लम सीरीज से, उसी को करवा रहा हूँ। देन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ख़त्म हो गया है। प्रॉब्लम ख़त्म तो नहीं हुआ है, मतलब जितना बेसिक था वो ख़त्म हुआ है, जैसे आपका गॉस लॉ आ गया, वहाँ से भी फिर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैसे क्या करते हैं वो बाद में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, तो प्रॉब्लम शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल है प्रॉब्लम, यहाँ से प्रॉब्लम ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, सिंपल आएगा। आपको सिर्फ ध्यान लगा के देखना है, दो फॉर्मूला है इसका, क्या है, पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, ई डॉट डी आर कहाँ से इंटीग्रेट होता है, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू पॉइंट आर, जहाँ से हम जहाँ जिस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा वो पॉइंट आर है। देन अनदर ओ पॉइंट, अनदर पोटेंशियल, ये तो हमारा हो गया जो आपका कोई रेफरेंस पॉइंट दिया होगा, नेक्स्ट कोई पॉइंट चार्ज, कोई चार्ज पॉइंट चार्ज है, ड्यू टू दिस एक पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला हो गया। अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, के डी क्यू अपन आर का इंटीग्रेशन। आर क्या है, के क्या है, डी क्यू क्या है, एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारा आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दी डी क्यू, मतलब ऐसे ऐसे कंटिन्यूस चार्ज है, हम अगर ओरिजिन इसको डिफाइन कर रहे हैं ओ, ओके, ओरिजिन इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका जो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे कैसे करेंगे, किसी भी एक स्मॉल पोर्शन को हम क्या कर लेंगे, डी क्यू कंसिडर कर लेंगे, ये वाला डी क्यू हो गया हमारा। देन हमारा आर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा यही हमारा आर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला में इसको पुट करके हमारा ये निकाल सकते हैं, क्या पोटेंशियल निकाल सकते हैं, हमारा दोनों फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हमारा सभी पोटेंशियल का आंसर निकल जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पर मैं जो रिजल्ट्स है, समझ रहे हैं, जैसे पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग, एक्सिस ऑफ ए दिस एंड दैट, एक्सिस ऑफ ए हमारा क्या हो गया सर्कुलर प्लेट, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस, मतलब ये तो सब अपना डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जितना प्रॉब्लम हो सकता है उस सब को अप्रोच करूँगा। फिर भी आपको चाहिए, अगर फॉर्मूला वर्मूला भी चाहिए वो तो साइड में बता रहा हूँ, फिर भी जो जनरल फॉर्मूला है वो सब भी अगर चाहिए फिर भी बताइएगा, मैं लिखवा दूँगा। आई थिंक आप सबको पता होगा, ये सीरीज में मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करवा रहा हूँ,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्या है, ये आया था गेट 2019 में आया था, क्या क्वेश्चन था? इजी है, ऐसा एक है, ओके, एम्पल प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड और एक फॉर्मूला भी लिख लीजिए, जनरल फॉर्मूला जो होता है, वी आर इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये पोटेंशियल ड्यू टू, मतलब हमारा पॉइंट चार्ज कोई डिस्टेंस आर पर, कोई डिस्टेंस आर पर ड्यू टू द चार्ज क्यू, हमारा पोटेंशियल निकालने के लिए बोला है प्लस क्यू। और यहाँ पर क्या है, एक प्लस क्यू क्यू चार्ज भी है और एक माइनस क्यू क्यू चार्ज है, और पोटेंशियल एट सेंटर निकालने पूछा है। ठीक है, सिंपल है। देखिए पोटेंशियल सेंटर निकालने, ये तो हेक्सागन है, एक सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या पूछा है, पोटेंशियल एट सेंटर वी एट सी, ओके, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए सॉल्यूशन लिख के लिए क्या चाहिए हमें, पोटेंशियल ठीक है, हाँ तो पोटेंशियल क्या चाहिए, पोटेंशियल एट सेंटर। तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा, पोटेंशियल इनटू ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सभी की वजह से जितना पोटेंशियल आएगा सेंटर पर वो सब ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है, वो तो डायरेक्ट ऐड हो सकता है एल्जेब्रिकली, ओके, देन एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। तो ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, सॉरी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम क्या कर लेते हैं, आर ले लेते हैं, ओके, तो सभी से डिस्टेंस आर होगा, तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा, के क्यू अपन आर इसके लिए प्लस के क्यू अपन आर इसके लिए प्लस के क्यू अपन आर प्लस इसके लिए के क्यू अपन आर प्लस इसके लिए प्लस के क्यू अपन आर, एक होगा और एक माइनस के क्यू अपन आर, एक होगा, होगा कि नहीं होगा, देन इसके लिए कितना होगा, प्लस के क्यू अपन आर। ठीक है, हो गया। तो यहाँ से माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू आर कट गया, बचेगा फाइव के क्यू बाई आर, फाइव के क्यू अपन आर, पर आर हमको पता नहीं है, आर हमको निकालना है। आर कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इसको ये जो सेंटर है इस सेंटर से दो पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, ये दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर लें, वर्टेक्स को, ओके, ज्वाइन करने के बाद हमको पता है ये जो एंगल होता है कितना होता है, ये सब मिलके कितना होता है, 360 होता है, नहीं पता है, तो अगर ये सब मिलके 360 होता है तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया हमारा, 60 डिग्री, ओके, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री हो गया एंड वी नो दैट दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, ओके, सो डी टू दिस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, सो ये दोनों अगर इक्वल हो गया, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ओके, तो तीनों 60 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको ये वाला लाइन चाहिए ना, तो ये वाला लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, इस साइड साइड का दे दिया है ना, साइड का दिया है ए, ओके, साइड का जो लेंथ है ये दे दिया है ए, साइड के दिया है ना, नहीं दिया है शायद ना, एक सेकंड में देख लेता हूँ साइड का दिया है कि नहीं, अच्छा साइड का नहीं दिया है, अगर साइड का दिया होगा तो निकाल लेंगे, ये अगर साइड दिया है ये हो जाएगा, देख लीजिए वही सिंपल है, नथिंग, ओके, तो आर की जगह पर ए पुट हो जाएगा, सिंपल है।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन में चलते हैं। इसको आप सिर्फ मतलब कैलकुलेट कीजिएगा कैसे क्या हो रहा है, मतलब ए दिया है कि कुछ वैल्यू दिया है वैसे कैलकुलेट कीजिएगा इस ट्राइंगल लॉ से। मतलब यहाँ पर डाटा मैंने नहीं लिखा हूँ इसीलिए मैं एग्जैक्ट क्या दिया था क्वेश्चन में नहीं पता है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट मिटाते हैं, चलते हैं आगे, देख लीजिए जल्दी। इजी क्वेश्चन है, इजी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें इस सीरीज में मतलब इस जो पोटेंशियल जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इसमें से इजी क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम टाइम इजी क्वेश्चन आता है। फिर भी अब एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा पहले, उसके बाद ये प्रॉब्लम सीरीज में आइएगा, वरना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। चलिए ये एक क्वेश्चन था, सर जेस्ट में आया था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक इनफाइनाइट रॉड है, ओके, एक इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से पोर्ट प्लस इनफिनिट, ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। डिस्टेंस आर पर जिसका लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, डिस्टेंस आर पर एक पॉइंट है पी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट निकालना है कितना है ड्यू टू दिस लाइन चार्ज, इनफिनिट लाइन चार्ज, ओके। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो सॉल्यूशन है तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए ये नहीं लग सकता, नेक्स्ट ये वाला तो कंटिन्यूस चार्ज के लिए ये भी नहीं लग सकता, ये तो कंटिन्यूस चार्ज थोड़ी है, ये तो एक लाइन चार्ज है लामड़ा है जिसका हमको सब पता है चीज़ें, ये भी कंटिन्यूस है, पर ये इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे इस कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए डी क्यू है ना, यहाँ पर एक डी क्यू का एलिमेंट चूज करेंगे, उसको इंटीग्रेट डी क्यू का एलिमेंट लेके यहाँ पर हमका क्या, हमको क्या चाहिए इस पॉइंट पर, हमको डी क्यू का एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी का, इससे हो सकता है पर इससे हमारा इजी होगा। देख लीजिए जब भी लाइन चार्ज इन्फाइनाइट लाइन चार्ज दे दिया है ना, इन्फाइनाइट लाइन चार्ज दिया है इसीलिए हम इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, अगर इन्फिनिट क्योंकि हमको पता है इन्फिनिट इन्फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डिस्टेंस आर पर कितना आता है, ये वाला हमको पता है, समझ रहे हैं ना, तो पता है तो यूज करेंगे, उसको बेकार थोड़ी छोड़ेंगे, तो यूज कर लेंगे उसी को। एक सेकेंड थोड़ा सा ट्राई कीजिए, मैं एक सेकेंड तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो पोटेंशियल कितना होगा, वी आर इक्वल टू कितना है हमारा फॉर्मूला, माइनस रेफरेंस पॉइंट आर से ई डॉट डी आर, ओके ठीक है ना, देन हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनिट लाइन चार्ज एट पॉइंट पी फ्रॉम डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन चार्ज कितना होता है 2k लैम्डा बाय आर, होता है कि नहीं होता है, तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे सिंपली, माइनस रेफरेंस पॉइंट, देखिए रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल जीरो होता है, इसीलिए तो बोलते हैं एक पॉइंट को हम इन्फिनिट से लाएंगे, इन्फिनिट से ला के किसी पॉइंट में रखेंगे, वो पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, वर्क डन कितना कर रहा है, इसीलिए तो हमेशा हम कंसीडर क्या करते हैं, इन्फिनिट से लाते हैं हमेशा, क्या करते हैं हम कोई चार्ज को हम हमेशा इन्फिनिट से लाते हैं ना, इसीलिए लाते हैं क्योंकि वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है इस केस पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर जीरो है हमको थोड़ी पता है, ये तो इन्फिनिट तक लंबा हुआ है,
लेट्स हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पी लाइन पर एक डिस्टेंस, मतलब यहाँ से डिस्टेंस डी ले लेते हैं। डिस्टेंस डी पर हमारा क्या है, डिस्टेंस डी पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। तो हम क्या करेंगे अभी देख लीजिए, तो ये वाला डिस्टेंस हम ई डी हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट, आर हो गया हमारा कैलकुलेशन पॉइंट, ई क्या है 2k λ/r, ओके 2k λ/r। उसके बाद देखिए एक चीज़ देख लीजिए, डॉट डी आर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर डी आर बाई आर करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पर कैसे हो रहा है मैं थोड़ा लिखवा दे रहा हूँ, ओके कैसे हो रहा है देखिए, हम इस डायरेक्शन को आर क्या डायरेक्शन ले रहे हैं, ओके देन इस डायरेक्शन का हमारा ये वाला हमारा आर क्या डायरेक्शन हो गया, डॉट डी आर क्या है, एक लाइन एलिमेंट है, उसको लिखते हैं। देखिए ये हमारा हो गया क्या, लाइन चार्ज हो गया ना, सॉरी लाइन चार्ज हो गया, मतलब एक सेल, इसको हम अगर थोड़ा ये करेंगे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा इन्फिनाइट सिलेंडर हो गया, एक लाइन चार्ज हो गया, मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ सकता है, हमारा इन्फिनिट सिलेंडर की कोऑर्डिनेट में आ सकता है। तो सिलेंडर की केस में हमारा जो लाइन चार्ज है वो क्या होता है, डी आर आर कैप प्लस आर डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप, होता है कि नहीं होता है, सिंपल। तो फाई कैप जेड कैप का टर्म नहीं है, आर कैप क्या होगा, डी आर हो गया, तो क्या होगा -2k λ डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन, मतलब ln r, ठीक है ln r हो गया, दिख रहा होगा शायद, इस सिर्फ इंटीग्रेशन किया हूँ ln r फ्रॉम d से r, ओके तो कितना होगा 2k λ ln r बाई डी होगा, पर माइनस से उलट जाएगा डी बाई आर हो जाएगा, इतना ही होगा। क्वेश्चंस एक क्वेश्चन नेट में पूछा था, नेट का क्वेश्चन है, ठीक है इजी है, पर आपको ये सिर्फ लिखना है कि मतलब रेफरेंस पॉइंट, समझ रहे हैं इस रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट हमको पता नहीं है कहाँ पर है, इस लाइन पर उसको देना पड़ेगा कहाँ पर है, वरना आपका क्वेश्चन नहीं होगा, समझ रहे हैं। एक दो रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जल्दी से नोट कर लीजिए। आज थोड़ा मतलब छोटा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर होगा थोड़ा खींच के हम उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ख़त्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ आज के, और मतलब और एक लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगा, इतना इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होगा। देखिए कुछ रिजल्ट लिखवा रहा हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ये सब मतलब क्वेश्चन आ सकता है, आता ही क्या आ सकता है इन माय ओपिनियन। देखिए ये एक सर्कुलर डिस्क है, ओके आपको पता है सर्कुलर डिस्क का जो एक्सियल पॉइंट है एक्सिस में, इस एक्सिस में यहाँ पर पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, σ/2ε0 z²-z²+r² का रूट ओवर, यही होता है ना, z²+r² का रूट, इस पॉइंट पर पॉइंट पी पर होता है ना, यही होता है शायद, हाँ ठीक है। देन पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये तो सबको पता है, देखिए मैं बोल रहा हूँ इस सेंटर पर पोटेंशियल, ये भी आपको पता होगा,
पॉइंट एंड सेंटर वीपी कितना होगा? यहाँ पर सिंपली आर का वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, तो जीरो पुट करने के बाद कितना आ जाएगा सेंटर पर? सॉरी, आर का वैल्यू नहीं, जेड का वैल्यू जीरो पुट कीजिए। जेड का वैल्यू जब जीरो पुट कर देंगे क्या होगा? ये वाला जेड डिस्टेंस है ना हमारा, सिग्मा आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा। तो पोटेंशियल एंड सेंटर क्या होता है? सिग्मा आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट कैसा आता है? देखिए इसको आप रखिए, मैं इसका कैलकुलेशन करवा रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा। देखिए नेक्स्ट का कैलकुलेशन मैं नहीं करवाऊँगा, नेक्स्ट ये तो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बता रहा हूँ। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जो जिसका पेरी मतलब अभी मैं सेंटर का कैलकुलेट करवा रहा हूँ, पोटेंशियल पेरीफेरी का नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखवा दूंगा। सेंटर का कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है? इस एक्सिस को जेड एक्सिस कंसीडर करना है। ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। यहाँ से एंगल थीटा पर कोई मतलब एलिमेंट ले लेना है, डी थीटा, सॉरी थीटा पर। ये क्या हो गया? डी क्यू हो गया हमारा, ओके नहीं, यह हमारा डी क्यू हो गया। तो जब हम कैलकुलेट करने के पोटेंशियल, पोटेंशियल एक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पोटेंशियल क्या होगा? के डी क्यू अपन आर, ये डिस्टेंस हमारा आर हो गया, सॉरी। देन यहाँ पर डी क्यू निकलना है, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है, ओके। तो सिग्मा क्या है? डी क्यू बाय, सिग्मा क्या है? डी क्यू बाय डी ए। डी क्यू बाई डी एस, तो डी क्यू क्या होगा? सिग्मा डी एस होगा कि नहीं होगा? देन चलते हैं के सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाय आर हो गया। देन के सिग्मा ये क्या है? प्लेन पोलर को प्लेन एक प्लेनर चीज है, चीज है कि नहीं? तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में हमारा डीएस, जो डीएस क्या है हमारा लाइन सॉरी एरिया एलिमेंट है ना डीएस, तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में एरिया एलिमेंट क्या होता है? आर डी आर डी थीटा, आर डी आर डी थीटा, ओके डिवाइडेड बाय आर। तो आर आर कट गया, अच्छा तो के सिग्मा बाहर आ गया। अच्छा डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू आर कैपिटल आर, इसका रेडियस आर ले लेते हैं, ओके इसका रेडियस आर हो, इसका भी रेडियस आर, तो जीरो टू कैपिटल आर एंड थीटा डी थीटा इंटीग्रेट्स फ्रॉम जीरो टू टू पाई। होता है कि नहीं? प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में तो यही होता है, डी थीटा इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू टू पाई। तो क्या आएगा? टू पाई आर के सिग्मा, 2 पाई आर के सिग्मा इक्वल टू कितना आता है? ये आ जाएगा जो लिखा हूँ, सिग्मा आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आर बाई टू एप्सिलॉन। तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, ओके हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू सिग्मा आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। जिनको रिजल्ट पता है, जिनको नहीं पता है यहाँ से नोट कर लीजिए। और एक अच्छा रिजल्ट मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, देखिए ये हो गया हमारा सेंटर में, और यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट लिखवा रहा हूँ। एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। मैं पूछूंगा पेरीफेरी पर, किसी भी पॉइंट पेरीफेरी पर, पेरीफेरी पर पेरीफेरी लिखवा दे रहा हूँ, पेरीफेरी पर हमारा पोटेंशियल इस पॉइंट पर, इसको पॉइंट पी अभी ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है पता है? सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आ सकता है। सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके।
तो मैं क्यों लिखवा रहा हूँ ये दोनों रिजल्ट, देखिए ये वाला हमारा एक रिजल्ट है, ये वाला हमारा एक रिजल्ट है, एक सेंटर का रिजल्ट है, एक पेरीफेरी का रिजल्ट है, ठीक है। मैं इसीलिए लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है, क्या पूछ सकता है, बोल सकता है एक सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क के सेंटर में, सॉरी सर्कुलर डिस्क जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन एट सेंटर एंड एट पेरीफेरी, मतलब पेरीफेरी पर पोटेंशियल एंड सेंटर पर पोटेंशियल के दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा। तो आपका अभी पेरीफेरी में पता चल गया कितना है हमारा सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल, एंड एट सेंटर पोटेंशियल कितना है पता चल गया सिग्मा आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को माइनस कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं और क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट जो इम्पोर्टेंट है वही लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं, मिटा रहा हूँ आके। अभी हम जो ये वाला फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी वाला फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, वहाँ हमें चलेंगे, उस फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि सभी फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन हो, समझ रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, अलग क्वेश्चन हो, पर यहाँ से जो इस टाइप का क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं आया है अभी तक, आ सकता है। जो मैंने परिफेरी वाला क्वेश्चन किया अभी बोला परिफेरी वाला कॉन्सेप्ट, क्या पता आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी क्वेश्चन क्या है, एक्सपियर है यहाँ पर और एक्सपियर है, ओके। इसका चार्ज कितना है 8 q, इसका रेडियस r है, ये दोनों सॉलिड स्पीयर है, मतलब इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, समझ रहे हैं। इसका चार्ज कितना है q, दोनों का रेडियस r है, ओके, और दोनों का सेंटर, इसका सेंटर b है, इसका सेंटर a है, ओके। दोनों का सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है 8 r, दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है 8 r, ओके। देन पोटेंशियल क्या निकालना है हमको, पोटेंशियल एट ए निकालना है, पोटेंशियल एट ए निकालना है कितना, तो सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखने से पहले एक दो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, देखिए जब भी सॉलिड स्फीयर का क्वेश्चन आएगा मतलब उसका एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होगा, होगा कि नहीं होगा, तो इनसाइड ही सॉलिड स्फीयर भी इनसाइड कितना होता है हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला, रो बाई 3 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 r² / 2 माइनस स्मॉल r² / 2, यह हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनसाइड। पोटेंशियल आउटसाइड क्या होता है, सिंपली KQ/R, जो फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला होता है, ठीक है। देन चलिए कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एट ए। देखिए पोटेंशियल एट ए कैलकुलेट करने के लिए एक चीज समझ लेंगे, तो चार्ज प्लस क्यू से प्लस क्यू पर मतलब ये वाला स्पीयर पर, ये पॉइंट कहाँ पर है अंदर, मतलब जब इसका चार्ज कंसीडर करेंगे तो हमको ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जब भी इसको कंसीडर करके पोटेंशियल एट ए कैलकुलेट करेंगे, समझ रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि ये वाला स्पीयर का आउटसाइड पॉइंट है ए, समझ रहे हैं। तो ये वाला फर्स्ट स्पीयर हो गया, ये वाला सेकेंड स्पीयर हो गया, तो पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू स्पीयर 1
एट ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्पीयर टू एट ए। अच्छा, तो पोटेंशियल ड्यू टू स्पीयर वन एट ए कितना होगा? देखिए, इसकी वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू अपन आर। तो के चार्ज कितना है? 8q अपन आर कितना है? 8r। ओके, प्लस पोटेंशियल एट पोटेंशियल ड्यू टू स्पीयर टू एट पॉइंट ए, मतलब इस स्पीयर की वजह से पॉइंट ए पर कितना पोटेंशियल आएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लगाते हैं, कितना है फॉर्मूला? रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट इंटू थ्री आर स्क्वायर बाई टू माइनस स्मॉल आर। यहाँ पर स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। ओके, ये वाला आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पर तो डिस्टेंस, तो सॉरी, यहाँ पर तो पोटेंशियल निकालना है सेंटर पर, तो ये वाला आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पर ओनली बचेगा थ्री आर स्क्वायर बाई टू। ओके, तो यहाँ पर जो रो का वैल्यू होगा, ये यहाँ पर मैं एरो करके लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज हो जाएंगे बाद में वरना। ठीक है, तो यहाँ पर रो का वैल्यू पता है, रो क्या है? चार्ज पर वॉल्यूम। तो चार्ज क्या है यहाँ पर? क्यू डिवाइडेड बाय, वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यू। तो कितना होगा? 3q अपॉन 4πr³। ठीक है, देन तो यहाँ से 8 से 8 गया, क्यू अपॉन 4πε₀ आर, ये वाला हो गया, प्लस रो का वैल्यू पुट करते हैं 3q अपन 4πr³ इंटू 1/3ε₀ इंटू 3r² / 2। तो 3 से 3 गया, यहाँ से आर क्यूब से आर स्क्वायर, एक आर नीचे बचेगा। ओके, तो कितना आएगा? क्यू बाई 4πε₀ आर प्लस यहाँ से कितना आ गया? 3q बाई 8πε₀ आर शायद, हाँ 8πε₀ आर। ये दोनों एड होके के की टर्म में लेके चलाएंगे, कितना आ जाएगा? शायद 1.5 से एड कर सकते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा? 8πε₀ आर 2q 5q 5q बाई 8πε₀ आर, या लिख सकते हैं 5kq अपन 2r भी लिख सकते हैं। जिसको लिखना है, जैसे लिखना है, जैसे पूछेगा लिख दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा रिजल्ट ठीक ही है, देख लीजिए, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, सिंपल आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, सो आज थोड़ा टाइम कम है, इसको अभी रखते हैं और एक क्लास लेंगे, थोड़ा लंबा लेंगे, उस क्लास पर क्या करेंगे? फिनिश कर देंगे इसको, या थोड़ा थोड़ा क्लास, एक दो ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, पोटेंशियल फिनिश हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।